Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, आई होप अच्छे होगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, घर बैठे मौज ले रहे होगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा। वैसे टॉपिक तो हमारा जो स्टार्ट करने से बैटिंग जो हमारी होगी एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ एंड गॉसियस लॉ से एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ से लेकर जो गॉसियस लॉ उसके एक्शन का डेरिवेशन करने वाले हैं। सो तीन डेरिवेशन होंगे, इसमें तीन पार्ट होंगे। देन जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा पार्ट होगा उस तीसरे पार्ट में से दो डेरिवेशन और होंगी। सो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ है एंड इस टॉपिक में से हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे आज, जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली है, वो बहुत इनफाइनाइट है, उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। सो आज हम उसके लिए डिराइव करेंगे जो होगा वो फॉर्मूला। सो टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट पार्ट तो जो टॉपिक है वो तो हमारा जो नेम उसकी जो हेडिंग हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मींस जो एक इनफाइनाइटली लेंथ का जो एक वायर लेंगे हम वो वन डायमेंशनल होगा एंड उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जो वन डायमेंशनल के लिए ड्राइव करते हमें एक लाइन एंड इसके ऊपर हमें फाइंड करनी है, ये इनफाइनाइट ले तो इसको डॉट डॉट से शो करेंगे। अब हमें पता है कि हम इनफाइनाइट तक तो इस वायर पे हम फाइंड कर नहीं सकते इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम इसका एक छोटा सा जो पोर्शन है उसको लेंगे एंड उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास पूरे के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। हम पहले तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक जो गॉसियस लॉ उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकलेंगे एंड हमारे पास निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सो हमने एक लेंथ इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इसकी जो लेंथ है वो है, हम इसकी लेंथ L कंसीडर की। अब हमें सुपर निकालना है और गॉसियस लॉ इसके ऊपर अप्लाई करना है तो इसके हमें यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा तभी गॉसियन लॉ अप्लीकेबल होगा। तो गॉसियन सरफेस बनाइए, तो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली, अब हमने यहाँ पर देखो हमें तीन एरिया दिख रहे हैं, एक तो ये एरिया ऊपर वाला, एक नीचे वाला एंड एक ये। सो अब इनके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ड्यू टू दैट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो इसको हम एस वन मान लेते हैं एरिया, एस टू मान लेते हैं, इसको एस थ्री मान लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्मली है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रही है। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है यहाँ पर ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एंड जो इसकी रेडियस होगी वो होगी आर, आर
एंड जो यहाँ पर हमें पी पॉइंट बन रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें, तो अब इन इसके कारण इस एरिया कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो देखते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इसलिए स्ट्रेट वायर के कारण। अब यहाँ पर देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये इधर, एंड जो इस एरिया के नो नॉर्मल है वो एरिया कट क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर, तो एन कैप की डायरेक्शन ये होगी एंड एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो थीटा यहाँ पर हो गया 90 डिग्री एंड यहाँ पर होगा एन कैप भी इधर ही है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, थीटा होगा 0 डिग्री एंड यहाँ पर सेम है टी जिसकी तरह से होगा ये। सो हमने देखा, अब देखते हैं हम जो हमने फाइंड किया, अब इसको हम DS3 मान लेंगे, इसको DS2 मान लेंगे, इसको DS2 मान लेंगे, इसको DS3 मान लेंगे एंड इसको DS जो ये यहाँ पर पॉइंट है इसको DS1 मान लेंगे। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी तो हमने यहाँ पर हमें एरिया को नाम दे दिया है। अब हमें एक एक करके वर्मागन तीनों ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू DS1 इसको एंड फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन इनटू कोस 90 डिग्री एंड कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 0, तो ये पूरी जो होगी वैल्यू वो होगी 0। अब सेकंड के लिए देखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट S2, तो यहाँ पर थीटा होगा ना 0 डिग्री, तो φe2 की वैल्यू क्या होगी, φe2 की वैल्यू होगी हमारे पास इंटीग्रेशन e इनटू ds2 है ये इनटू cos 0 डिग्री, तो जो इसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री, ये कॉन्स्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सारे, तो इसको हमने बाहर निकाला एंड अंदर जो है इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी S2 और वो 0-1 होता है। ओके, अब S2 की हमारे पास अब जो ये सिलेंडर है, अब इसकी जो हमें एरिया निकालना होगा, अब जो ये सिलेंडर है उसका एरिया क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrl, तो इस सिलेंडर का जो एरिया होगा वो होगा हमारे पास S2 की वैल्यू आएगी φe2 की वैल्यू आएगी P into इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स ड्यू टू S3 वो होगा, वो भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री, यहाँ पर बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है तो मैं आपको बस समझा देता हूँ कि जो होगा क्योंकि देखो ये सेम एंड ये सेम, अगर हम इसको पार्ट देंगे तो ये जो डिस्टेंस जो ये एरिया होगा ये इधर आ जाएगा एंड ये इधर आएगा, तो ये एक दूसरे की सिमेट्रिक हो गए, तो अगर यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0 होगा, तो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा E1 plus E2, और हमें पता है E1 क्या है 0 है एंड E2 क्या है ये है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होगा। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ड्यू टू दैट सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म चार्ज वो ये है। अब इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है, अब हम लास्ट जो ड्यू
एट पी पॉइंट, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां से होगा, वो होगा पाई ई इज इक्वल टू ई इंटू टू पाई आर एन। अब मैं यहाँ पर गॉसियस लॉ अप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर टोटल चार्ज हमने क्यू कंसिडर किया था, हमने यहाँ पर टोटल चार्ज क्यू कंसिडर किया था, तो यहाँ पर हमने ई लिखा है, क्यू लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ई की वैल्यू हम निकालेंगे, देखते हैं अब देखते हैं यहाँ से फाई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, देखते हैं फाई की वैल्यू अगर हम पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इनटू टू पाई आर। सो ई की वैल्यू होगी वो होगी क्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू टू पाई आर। सो अब हमें पता है क्यू क्या है, यहाँ पर टोटल चार्ज है, एंड हमने जो पिछली वीडियो में देखा था रिलेशन 4a 1d के लिए जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, हमने वहां पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू लिया था, यहाँ पर ये ले रहे हैं। तो अब मास, अब इसमें जो होगी खाली ये वन डायमेंशनल सरफेस है, तो इसके लिए जो खाली लेंथ होगी, तो यहाँ पर लेंथ आएगी। अब यहाँ पर हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू होगी लैम्डा एल इज इक्वल टू क्यू, एंड यहाँ पर हम लेंथ क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास लैम्डा एल, एल से जो एल कैंसिल होगा, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ई आ गई। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करना, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो होगी वन अपॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आई है वैल्यू पूरी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर। अब इसको हमें डायरेक्शन देनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके लिए डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पर इस डायग्राम पे आते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एंड जो हमारे पास आर कैप है वो भी इधर ही है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी रेडियस के अलोंग होगी इसकी डायरेक्शन। तो जो ये हमारा हो गया डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, क्योंकि गर्मी का मौसम में पसीने पसीने हो गए।